माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए आपका हम सम्मान करते हैं, साथी को जल्दी जल्दी शपथ दिला देना ना जो मेरे ही साथ आ जाए। शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजियों को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। इंजीनियर हो गए फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए, आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था, और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, जितना आपका क्रैक इन पर निर्धारण किया जा सकता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। MSP कभी क्रेस केंद्र पे जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखिए आपका हम सम्मान करते हैं, साथी को जल्दी जल्दी शपथ दिला देना ना जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजियों को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं नहीं ठीक है, गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94,00,000 मीट्रिक टन हुई थी, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। ये भुगतान नगद किया गया था, इसमें DBT भी नहीं अपनाया गया था, क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94,00,000 मीट्रिक टन की बजाय 225,00,000 मीट्रिक टन खरीदा जाता है, और 41,299 करोड़ रुपए का DBT के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया, नोट करें। हाँ तो ये तो इसीलिए तो आपके 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123,00,000 मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट होता है आपके समय, और 345,00,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता है हमारे समय में, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं, और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया है।